आज पूरे देश में गंगा दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर के रादौर की पश्चिमी यमुना नहर के पक्का घाट पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए भारी भीड़ जुटी हुई है। माना जाता है कि आज के ही दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसी को लेकर आज का दिन गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। गंगा मुक्ति अभियान से जुड़े और अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक स्वामी महेश्वराश्रम ने बताया कि आज के दिन कोई भी प्राणी अगर गंगा जी का स्पर्श मात्र भी कर लेता है तो उसे जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं उन्होंने कहा कि समय समय पर संतों व सरकार द्वारा गंगा को निर्मल किए जाने के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक आम जनता में जागृति नहीं होगी तब तक गंगा को निर्मल किए जाने का अभियान सफल नहीं हो सकता है। उनके द्वारा भी 2004 से गंगा मुक्ति अभियान के माध्यम से गंगा को निर्मल किए जाने को लेकर जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज के दिन कोई भी प्राणी अगर गंगा जी का स्पर्श भी मात्र करता है, दर्शन भी मात्र कर लेता है, तो उसके जितने जन्म हुए हैं सृष्टि में सारे पापों का निवृत्ति हो जाता है और उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए गंगा दशहरा अनादिकाल से अवतरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। गंगा सर्वदा पूज्य है। गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही मुक्ति होता है, लेकिन आज का दिन विशेष है। आज जो भी प्राणी गंगा जी का दर्शन करेगा और उनका स्पर्श करेगा, उनको प्रणाम करेगा, उनका पूजन करेगा, तो उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और गंगा कृपा से वो मुक्ति प्राप्त करेगा।